अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज के क्लास लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और जियो डेटाबेसेस के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या चीज है और जियो डेटाबेसेस जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं, जियो डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को किस तरह से सपोर्ट करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज जियो डेटाबेसेस के हवाले से और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के हवाले से, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आज के क्लास लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं जिसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स विद जीआईएस, प्रोग्रेस ऑफ ज्योग्राफिक डेटा मॉडल्स, के ज्योग्राफिक डेटा मॉडल्स जो हैं वो इनिशियली किस तरह से स्टार्ट हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम उनके अंदर किस तरह से चेंजेस आती रहीं। जियो डेटा बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि जियो डेटा बेसिस ज्योग्राफिक डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, जियो डेटा बेसिस की टाइप्स क्या हैं, जियो डेटा बेसिस के अंदर क्या चीज़ होती है जो कि जियो डेटा बेसिस को दूसरे डेटा बेसिस से थोड़ा डिस्टिंक्ट करती है। फीचर्स इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसकी टेक्निकल जो इश्यूज हैं उसके अंदर आते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सर्विंग एंड एक्सेसिंग दी जियोग्राफिक डेटा, के जियो डेटा बेसिस में कोई भी जो जियोग्राफिक डेटा जिसे हम स्टोर करते हैं उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, उसको किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग डेटा मॉडल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि जो डेटा मॉडल्स हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है, वेक्टर डेटा मॉडल्स हों, रास्टर डेटा मॉडल्स हों, इमेज मॉडल हों, प्रोसेस मॉडल्स हों, लॉजिकल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल और फिजिकल मॉडल्स, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से बनाया जाता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ये किस तरह से बनते हैं। गाइड टू रीडिंग यूएमएल ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, यूएमएल ऑब्जेक्ट डायग्राम्स क्या होती हैं, डेटा मॉडल्स को बनाते वक्त या किसी भी प्रोसेस को मॉडल करते वक्त UML डायग्राम जो है वो बनाई जाती हैं। UML बेसिकली एक ऑब्जेक्ट यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम्स जो है किसी भी प्रोसेस को बनाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इन डायग्राम्स को क्रिएट किया जाता है। GIS और डेटा मॉडलिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, यानी डेटा मॉडलिंग जो फील्ड है वो किस साइड पे जा रही है, इसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स हैं वो क्या है। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के ऊपर हम बात करते हैं कि किसी भी एक सिस्टम को मॉडल करने के लिए डिफरेंट तरीकाकार है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये एक डायग्राम डिस्प्ले है जो कि एक स्ट्रीम्स को शो कर रही है, यानी रिवर्स को डिस्प्ले कर रही है। यहाँ पे रिवर्स हमारे सामने डिस्प्ले है। जब हम किसी एक मॉडल को, एक सिस्टम को मॉडल करते हैं, सिस्टम को मॉडल करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रीम्स की एग्जांपल रखी है। ये स्ट्रीम्स डिफरेंट जियोग्राफिक स्केल्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। मिसाल के तौर पे ये इस डायग्राम के अंदर जो आपको स्ट्रीम्स नजर आ रही हैं, ये एक लीनियर नेटवर्क मॉडल है जो कि हाइड्रोग्राफिक फ्लो को डिस्प्ले कर रही है, कि हाइड्रोग्राफिक फ्लो जो है इसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाइड्रोग्राफिक फ्लो किस साइड पे है। यही स्ट्रीम जो है ये दो कंट्रीज के दरमियान, दो एरियाज के दरमियान जो है वो बॉर्डर का काम भी कर रही है, ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट स्केल है। यही स्ट्रीम जो है पहले जो है वो एक नेटवर्क का काम कर रही थी, लेकिन इस स्केल के ऊपर अब यही स्ट्रीम जो है ये एरिया के अंदर कन्वर्ट हो गई है, यानी ये स्ट्रीम जो है ये एरियल फीचर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम उस मॉडल को किस अंदाज में देख रहे हैं, उस सिस्टम को किस अंदाज में हम मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रीम जो है ये सरफेस के ऊपर जो है, सरफेस मॉडल के ऊपर किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से एक्ट कर रही है। ओके,
अब ये चार डिफरेंट सिनेरियोज हमने देखे एक सिंगल फीचर के, चार डिफरेंट सिनेरियोज, यानी स्ट्रीम जो है उसको हम जब अपने GIS एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर करते हैं, उसको मॉडल करते हैं, तो हम चार डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर उसको मॉडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन वो नेटवर्क जो है वो सिंगल लाइंस का नेटवर्क है जो कि ज्योमेट्रिक नेटवर्क है। वो नेटवर्क जो है उसका इंटरेक्शन सरफेस के साथ उसको भी मॉडल किया जा सकता है, लेकिन पहले केस के अंदर उसका इंटरेक्शन, स्ट्रीम्स का इंटरेक्शन जो है वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। हमने स्ट्रीम्स की इंफॉर्मेशन को जस्ट अपने जियो डेटाबेस के अंदर या अपनी फाइल्स के अंदर स्टोर कर लिया, लेकिन ये जो फाइल है, जो सबसे पहली फाइल, यानी हमने जो सिंपल स्ट्रीम्स का नेटवर्क क्रिएट किया, ये स्ट्रीम्स का नेटवर्क हमें सिर्फ स्ट्रीम्स के हाइड्रोग्राफिक फ्लो को बता रहा है, या इसके अंदर जो है हमने इसकी एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन जो है उसको एड कर दिया, लेकिन इस स्ट्रीम का दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले नहीं हो रहा। यानी ये स्ट्रीम्स जो है सरफेस के ऊपर किस तरह से बिहेव करती हैं, ये स्ट्रीम्स जो है ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तौर पे काम करती हैं, ये स्ट्रीम्स एज एन एरिया काम करती हैं, इसके ऊपर, इन स्ट्रीम्स के ऊपर इसका एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। यानी हमारी जो रियलिटी है या रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में कोई भी एक फीचर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, उसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप है हर किसी फीचर के साथ। ओके इन फीचर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने रियल वर्ल्ड के अंदर इन फीचर्स को कैसे देखते हैं, और इन फीचर्स को जब हम GIS एनवायरनमेंट के अंदर इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये जो फीचर्स हैं, किसी भी फीचर की कोई भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट जो है मैप के ऊपर उसको हम लाइन पॉइंट या पॉलीगॉन्स के साथ डिस्प्ले करते हैं। क्योंकि हमारा GIS एनवायरनमेंट के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट की डिजिटाइजिंग है या ऑब्जेक्ट की स्टोरिंग है वो टू डायमेंशनल है। यूजुअली हम टू डायमेंशन के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं, थ्री डायमेंशन भी उसके अंदर एड की जा सकती है, बट यूजली जब हम किसी फीचर को स्टोर करते हैं लाइन पॉइंट और पॉलीगॉन्स में तो वो टू डायमेंशन के अंदर होती है। अब ये फीचर्स जो है ये एक्सप्लिसिटली स्टोर किए जाते हैं। एक्सप्लिसिटली स्टोर किए जाने से मुराद ये है कि हर एक फीचर जो है उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी जगह पे मौजूद है, इसको हम सेपरेटली फाइल्स में स्टोर करते हैं। आगे चल के हम इन फीचर्स की स्टोरेज और इनका दूसरे फीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सरफेस रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? सरफेस रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क की सूरत में सरफेस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, कॉन्टूअर लाइंस की सूरत में सरफेस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, रास्टर की सूरत में, डिजिटल एलिवेशन मॉडल की सूरत में सरफेस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अगर हम प्रीवियस फीचर्स को देखें, फॉर एग्जांपल जो रियल वर्ल्ड के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने लाइन पॉइंट और पॉलीगॉन्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब इसके अंदर हम सरफेस को ऐड करेंगे, सरफेस एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि लाइन पॉइंट पॉलीगॉन से बिल्कुल हटके है। रियल वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीजें जो हैं ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के साथ एक मौजूद होती हैं, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है, हर एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ एक रिलेशनशिप मौजूद होता है, और वो फीचर जो हैं वो रियल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ओके सरफेस के बाद हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क्स जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क फॉर एग्जांपल कोई भी लीनियर नेटवर्क है, वो रोड्स का नेटवर्क हो सकता है, वो
इलेक्ट्रिसिटी लाइंस का नेटवर्क हो सकता है, वो नेटवर्क गैस पाइपलाइंस का हो सकता है, वाटर पाइपलाइंस का हो सकता है, सीवरेज पाइपलाइंस का नेटवर्क हो सकता है, इसके अलावा वो स्ट्रीम्स का नेटवर्क हो सकता है, कोई भी लीनियर फीचर जो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है उसको जब हम मॉडल करते हैं, उसको जब स्टोर किया जाता है जियो डेटाबेसिस के अंदर, तो वो एक नेटवर्क की सूरत में स्टोर किया जाता है। अब ये नेटवर्क जो है ऑब्वियसली ये चूंकि हमारे रियल रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, तो ये रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद नेटवर्क अपनी बाकी फीचर्स के साथ इनका इंटरेक्शन जो है वो ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है, उनका इंटरेक्शन बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन है, पॉलीगॉन्स के साथ उनका इंटरेक्शन है, ठीक है, एक टाइप ऑफ लीनियर फीचर का दूसरे टाइप ऑफ लीनियर फीचर के साथ इंटरेक्शन है। बिकॉज रियल वर्ल्ड जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इस कॉम्प्लेक्स चीज के अंदर हर तरह के फीचर्स, हर तरह के ऑब्जेक्ट्स एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन जब इनको कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम पेश आता है कि ये नेटवर्क सॉरी ये फीचर्स जब हम कंप्यूटर्स के अंदर लेके जा रहे हैं, कंप्यूटर्स में डिजिटाइज कर रहे हैं और इनको स्टोर कर रहे हैं किसी एक जगह पे, तो वहां पे ये रियल वर्ल्ड के फीचर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड के फीचर्स को स्टोर करने का अपना अपना एक डिफरेंट तरीका है। अगर हम वेक्टर्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं, वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर, तो लाइंस के लिए फॉर एग्जांपल रोड्स के लिए लाइंस को इस्तेमाल किया जाता है, गैस पाइपलाइंस, वाटरवेज, वाटर सप्लाई लाइंस, सीवरेज पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनको नेटवर्क्स की सूरत में हम स्टोर करते हैं। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स हैं उनको एक सिंगल फाइल के अंदर स्टोर नहीं किया जाता बल्कि सेपरेटली स्टोर किया जाता है। स्पेशल डेटा मॉडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रियल वर्ल्ड के अंदर से हर एक फीचर को, ऑब्जेक्ट को आपने डिस्क्रिटाइज करना है और रियल वर्ल्ड के अंदर से हर एक टाइप ऑफ फीचर को सेपरेटली अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना जो है इसको हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। स्पेशल डेटा मॉडलिंग के अंदर ये एक पर्टिकुलर काम है। नेटवर्क के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है लोकेशन। लोकेशन एड्रेसेस हो सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट एक्स और वाई की लोकेशन हो सकती है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, पोस्ट कोड हो सकते हैं, जिप कोड हो सकते हैं, प्लेस नेम्स हो सकते हैं, रूट लोकेशंस हो सकती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हम लोकेशंस के अंदर स्टोर करते हैं। ये लोकेशन जो है फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें अगर एब्सोल्यूट एक्स वाई लोकेशंस किसी ऑब्जेक्ट की या फीचर की हमें नहीं पता तो हमें उसका एड्रेस मालूम होगा, उन एड्रेसेस को जो है वो पॉइंट लोकेशंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली प्लेस नेम्स जो हैं, अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी नहीं पता तो जो प्लेस नेम्स हैं वो एज अ लोकेशंस या एज अ लोकेटर जो है वो काम कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स के ऊपर किसी एक लोकेशन को एक्सेस करना चाहें, लोकेशन को देखना चाहें और अपना एक रूट फाइंड आउट करना चाहें अपनी लोकेशन से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन तक, तो अगर आपको उस लोकेशन के एग्जैक्ट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम है तो आप उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का इनपुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा गूगल मैप्स। लेकिन अगर आपको एक्स वाई लोकेशंस एब्सोल्यूट लोकेशंस के बारे में नहीं पता तो आप उसके नियर बाई बिल्डिंग्स के या किसी इंपॉर्टेंट या फेमस प्लेस नेम का नाम जो है वो उसके अंदर एंटर करते हैं। जब आप प्लेस नेम का नाम एंटर करते हैं तो वो गूगल मैप जो है वो आपको वो प्लेस जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आप उसका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं, उसका उसका नियर बाई प्लेस ऐड कर सकते हैं, एक्स वाई लोकेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका एड्रेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट कोड ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर फीचर्स के एड्रेसेस की या लोकेशन की इंफॉर्मेशन कितनी डिटेल के अंदर मौजूद है।
हमारे पास चूंकि डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आता है, तो डिफरेंट सोर्सेस से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। हर जगह पे हम जीपीएस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर एक फीचर की लोकेशन को जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स के जरिए स्टोर नहीं किया जा सकता। किसी जगह पे आपको एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं, किसी जगह पे आपको प्लेस नेम्स अवेलेबल होते हैं, किसी जगह पे आपको एक्स वाई लोकेशंस अवेलेबल होती हैं, और समटाइम्स आपको पोस्ट कोड्स अवेलेबल होते हैं, जिप कोड्स अवेलेबल होते हैं। तो उस ऐसी सूरत में हमें जो फीचर्स की लोकेशन है उसको थोड़ा सा, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बट इसको भी आगे हम चल के डिस्कस करेंगे कि लोकेशन जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो रास्टर फॉर्मेट के अंदर की जाती है। जो रास्टर फॉर्मेट है या इमेज फॉर्मेट जो है, इमेज फॉर्मेट भी हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब ये इमेज जो है इसके ऊपर आप कोई ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर सकते। इमेज के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज इमेज जो है वो एक रास्टर टेक्नोलॉजी है, वेक्टर टेक्नोलॉजी नहीं है। रास्टर के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके ऊपर आप डिस्टेंस मेजरमेंट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर आप रूट फाइंडिंग नहीं कर सकते जिस तरह से वेक्टर्स के अंदर किया जा सकता है। लेकिन अब रास्टर और वेक्टर टेक्नोलॉजी दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो हमारे जो जियो डेटाबेसेस हैं, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इन तमाम फीचर्स को एक ही जगह पे स्टोर रखती है। जियोग्राफिक डेटा मॉडल्स की प्रोग्रेस के ऊपर अगर हम बात करें, तो जो जियोग्राफिक डेटा मॉडल का जो सबसे पहला सिंपलेस्ट डेटा मॉडल था जो बनाया गया जियोग्राफिक फीचर्स को स्टोर करने के लिए, वो कैड डेटा मॉडल्स है। कैड डेटा मॉडल्स कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइन डेटा मॉडल। फॉर एग्जांपल कैड डेटा मॉडल के अंदर जो फीचर्स हैं, जियोग्राफिक फीचर्स, वो सिंपल लाइन पॉइंट और पॉलीगॉन्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट इनके साथ इनकी इनका जो एट्रीब्यूट है वो इनके साथ अवेलेबल नहीं होता। ये इनिशियली जब GIS का आगाज हुआ तो जो सबसे पहले डेटा मॉडल्स थे वो कैड डेटा मॉडल्स थे। कैड डेटा मॉडल्स के अंदर फीचर्स को आप एक्सप्लिसिटली स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोकेशन इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, उसके एट्रीब्यूट्स मौजूद नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल होते थे। कैड डेटा मॉडल के बाद जब GIS ने जैसे जैसे तरक्की की, उसके बाद कवरेज डेटा मॉडल जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए। कवरेज डेटा मॉडल के अंदर ज्योमेट्री के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स को भी ऐड किया गया। कवरेज डेटा मॉडल भी अब एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। कवरेज डेटा मॉडल्स आर्क इन्फो एक सॉफ्टवेयर था उसके अंदर, या मैप इन्फो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये कवरेज डेटा